अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो ये देखें, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे जो है उठ गए हैं। खासतौर पर ये वाला शरारती काका, ये मुझे उठा के इसने बिठा दिया। मुझे बहुत नींद आ रही है और इसने मुझे जो है ना उठा दिया। अब्दुल रहमान, क्या खाना है? दुदू या एग? क्या दुदू? दुदू दुदू के एग? चीजी हाँ, दूध नहीं पीना? दूध पियेंगे? ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या, ये क्या है? दूध पीना है, खाना है? तो जनाब, अभी मैं सबसे पहले जो है ना, मैं जो ये कोशिश होती है सुबह ना, अब्दुलरहमान को दूध नहीं देता, इसको एग या कोई इस तरह की चीज़ दे दूंगी, क्योंकि अगर इसने दूध पी लिया फिर ये कुछ खाएगा नहीं। तो इसीलिए जो है ना, मुझे उठना पड़ता है। तो ये देखें क्या क्या, ये देखें, मुझे डब्बा पकड़ा रहा है कि दूध बना के दो। लेकिन मैं उठ के जो है ना, पहले इसका पैम्पर और कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है? फिर इसको मैं बना के दूंगी एग। उसके बाद अगर इसने दूध पीना हुआ तो पिएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि अगर पहले दूध दे दिया तो इसने अंडा नहीं खाना। हाँ जी, जूठू लेंगे अब्दुलरहमान का पैम्पर और पकड़ेंगे वाइप्स। यहाँ से लिया अब्दुलरहमान का सूट, ये देखे जनाब, इसे पता चल गया है मैंने शूज़ पहनने हैं, तो ये शूज़ भी लेके आ रहा है मामा के पास। सॉक्स भी निकाल लूँ, ठीक है? ये है जनाब अब्दुलरहमान की सॉक्स। हाँ जी, तो जनाब, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, ये जो मेरी बिल्ली है ना, ये मुझे सॉक्स मतलब शूज़ पहनाने भी इसके लिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। आज ये ना मोबाइल की खुशी में थोड़ा सा सेट होकर बैठा हुआ है, वरना इसके कपड़े जूती हर चीज़ चेंज करने में मुझे इसके पीछे थोड़ा सा भागना पड़ता है। साथ जो मेरी बर्ज़ा है ना, मेरी बर्ज़ा फातिमा जो है, मेरी बेटी, आज वो भी बड़े सुकून से सो रही है, क्योंकि पहले जो है उसने फीड कर लिया था, तो इसीलिए वो सुकून से अब सो रही है। तो अब मुझे जो है ना, सिर्फ इसके साथ ही लड़ाई करनी है। लड़ाई करने वाला ही काम होता है बच्चों के साथ, बच्चों को जो है ना मैनेज करना, सारा कुछ करना, उनके कपड़े जूते हर चीज़। जैसे आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इसको शूज़ पहनाना। कभी इसका मूड बहुत अच्छा होता है तो ये हर काम जो है ना वो खुद ही, जैसे अब देख रहे हैं आप, ये आज इसका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये सब कुछ जो है ना वो आराम से करवा रहा है, वरना दिन जो है ना शुरू होता है इसके रोने से। तो जब मतलब थोड़ी सी इसकी तबीयत आवाज़ और होना, तो फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ख़ुद भी डिस्टर्ब होता है, फिर मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। फिर जो है ना, मुझे और पता नहीं क्यों मुझे इतनी जल्दी पड़ जाती है कि बस फटाफट से मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो आज का वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं सारे काम सुकून से किया करूँ, मुझे इतनी जल्दी पड़ जाती है ये सब करने के लिए कि मैं जो है ना खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि मुझे इतनी जल्दी क्या है कि 3 घंटे मैंने लगा के सिर्फ अब्दुलरहमान के और बर्ज़ा को देखा और अपना नाश्ता किया और इनको नाश्ता करवाया। तो इस तरह जो मेरी मॉर्निंग में ना 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मेरा यही काम चल रहा होता है, और समझ नहीं आती मैंने किया क्या है, लेकिन फिर भी जो है ना 9 बजे अब्दुलरहमान उठता है। तो कभी कभी मैं जो है ना ये उठ भी जाए तो मैं 10 बजे उठती हूँ, तो फिर जो है ना ये सब कुछ करते करते मुझे 12-1 बज जाता है। तो अभी जो है अब्दुलरहमान को मैं ब्रश करवा रही हूँ। अभी अपने बच्चों को डेली ब्रश करवाया करें, इसको ब्रश जो है पकड़ा देती हूँ, थोड़ी देर खेलता है, एंड पे आके मैं खुद इसके दांतों पर ना थोड़ी सी ब्रशिंग वगैरह करती हूँ। साथ ही अब्दुलरहमान को भी इसका ब्रश पकड़ा देती हूँ। ये ले, ताकि ये देखे और सीखे कि ब्रश अच्छे करते हैं, अच्छे अच्छे करते हैं ब्रश। इधर जा रहे हैं, मैं अब्दुलरहमान को ब्रश पकड़ा देती हूँ, फिर पहले खुद ब्रश करती हूँ, बाद में जाना इसके तीत हल्के से साफ कर देती हूँ, क्योंकि अब इसके तीत जाना गंदे हो रहे हैं। तो अब्दुलरहमान ऐसे ऐसे ना इसके तीत में हल्के हल्के साफ करूँगी। अब तो मान के लिए तो एग बनाने, लेकिन पहले इसे बॉयल एग देती थी, लेकिन ये जल्दी पहन देता है। तो इसके लिए मैं इसमें हल्का सा नमक और थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च डालूंगी संडे में, और इसको फेंक के फ्राई कर लेंगे, फ्राई। ये देखें जनाब, इधर मैंने अब्दुलरहमान को चेयर ओपन कर दी थी, ये खुद इस पे बैठ जाता है। दे रही हूँ बेटा, मम्मा को छूना से ज़्यादा ये लगाएंगे। ये देखो मेरा बेटा, बहुत हल्के से ऑयल में अब्दुलरहमान का एग फ्राई करती हूँ, और उस पर भी जो ऑयल होता है वो इसमें टिश्यू में अब्सॉर्ब कर देती हूँ।
ये देख सकते हैं तवे पे ना होने के बराबर ऑयल है, ठीक है। उसमें मैंने ये फ्राई कर लिया, अब इसको रखेंगे इस प्लेट में। टिश्यू के साथ जो ऑयल इसके ऊपर है वो भी साथ आ रही हूँ। गरम है अभी, गरम। थोड़ा ठंडा हो लेने दे। रहमान को एग देख के मैं साथ ही तैयारी कर रही हूँ अपने नाश्ते की। वैसे तो मैं अपनी चाय भी साथ ही रख लेती हूँ, लेकिन आज जो है साथ वीडियो बना रही थी तो अभी रखी है, ठीक है ना। ये साथ चाय लूँगी, साथ पंजीरी थोड़ी सी गरम करेंगे और वो खाएंगे। यहाँ मैं अब्दुलरहमान की फीटर्स भी साथ साथ जो है वो रेडी कर लिए और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से फीटर्स बना के उसके अंदर चीनी डाल के दूध डाल के मैं रख देती हूँ फ्रिज में, इसकी दो या तीन जितनी भी फीटर्स बनानी हो। इतना मोटा चाय का कप ये है मेरा। यहाँ मेरे लिए पंजीरी गरम हो रही है, ठीक है। वैसे तो अब्दुलरहमान टैब देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम टैब ले लें। जनाब हमने ये सारे काम जो अभी हमने किए हैं, अब्दुलरहमान के कपड़े चेंज करना, उसका पैम्पर चेंज करना और उसको पूरा जो है मुकम्मल रेडी करना, उसके बाद अपने लिए चाय बनाना, पंजीरी गरम करना और ये सारा कुछ जो है ना करना होता है बरसा के उठने से पहले पहले, क्योंकि अगर ये बेटा उठ जाए ना फिर दोनों को एक साथ मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं पहले जो है ना एक को रेडी शेडी कर लेती हूँ, फिर खुद अभी मेरी कोशिश ये होती है उसके उठने, क्योंकि ये एक दफ़ा मतलब उठ गई ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अभी मैं खुद जो है अक्सर जो है इस टाइम पे आके मैं नाश्ता करना शुरू करने लगती हूँ और बरसा उठ जाती है और मेरा नाश्ता इधर ही रह जाता है जो कि है ये पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो अभी बरसा सो रही है तो मैं जल्दी से अपना नाश्ता भी कर लेती हूँ। जी हाँ जी, उठो 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 उठो, अच्छा पीछे हटे उठो। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे मैं साथ अपना जो है वो बेड जो है वो सेट कर रही हूँ और साथ मैं जो है ना मोबाइल इधर लगा के ना इधर ऐसे सेट करके ना तो मैं रानी यासीन का व्लॉग देख रही हूँ। तो वो साथ साथ मैं अपने जो है ना बेडशीट जो है वो ठीक कर रही हूँ, रूम सेट कर रही हूँ। अपना जो है वो बेड सेट कर लिए, बरसा फातिमा भी अब उठने वाली हैं और ये कुछ कपड़े हेल्पर को देने के लिए रखे थे, क्या ये सब साफ़ हो गया। और ये जो है ना मैं 100 दफ़ा उठा के ये शीट इसके ऊपर रखती हूँ और अब्दुलरहमान 100 दफ़ा उठा के फिर से नीचे फेंक देते हैं, क्या हाल है इसका। अब्दुलरहमान अपने यासीन मामू से बहुत प्यार करते हैं, इसे मैं कह रही हूँ यासीन आ जाओ तो ये फ़ौरन से बाहर देख रहा है। यासीन यासीन आए मामू, मामू आए, मामू आए नहीं आए अभी, आवाज़ दो यासीन मामू को। मम्मी यासी मामू अभी आते हैं यासी मामू अभी आएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी आ रहे अभी यासी मामू, किधर है यासी मामू, आ जाते हैं अभी। अब्दुलरहमान को मैं जब भी कहती हूँ अपनी जगह पे चलें तो ये मैंने पीढ़िया सोच रहे होंगे भाई इधर क्यों रखी है, तो ये मैंने अब्दुलरहमान के लिए रखी है। बरसा आने वाली थी उसके बाद ऑपरेट के बाद जो है अब्दुलरहमान 100 दफ़ा नीचे ऊपर चढ़ता उतरता है,
तो मुझे ना इसको ऊपर नीचे करना पड़ा, इसलिए मैंने ये बीड़ी इधर रखी है। तो अब्दुलरमान इस पर चढ़ के ना ऊपर चढ़ जाता है, फिर मैं इसको वापस आता हूँ। दूध पीना होता है इसे कहती हूँ अपनी जगह पे जाओ, और ये वहाँ जाके लेट जाता है। ओ माई गॉड, और ये जो है ना और दूध पी लेगा। ये बरसा का ड्रेस निकाल लिया हमने चेंज करने के लिए, अभी वैसे बरसा उठी नहीं, लेकिन ये बरसा का ड्रेस हमने निकाल लिया चेंज करने के लिए। मेरे बचको होते जा। अच्छा आज हम इसके निकालेंगे पैम्पर, ये पैम्पर और ये वाइप्स। जनाब जब इसके कपड़े चेंज करती हूँ, इसका मुंह हाथ वगैरह साफ़ करने के बाद इसको ये डाइगैस, आपको पता है छोटे बच्चों को ये ड्रॉप्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये डाइगैस ड्रॉप देती हूँ साथ। ये विटामिन डी के ड्रॉप जो है ना, ये डॉक्टर ने दिया है, एक ड्रॉप ये दे देती हूँ साथ ही। तो फिर सारा दिन ये टेंशन नहीं होती कि इसको अभी तक ये नहीं दिया तो ये नहीं दिया। हाँ जी, तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर से यही बात, ठीक है, बाय बाय।